Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is P-8I. तुम जानेंगे P-8I के बारे में? Navy recently commissioned second P-8I squadron INS 316 Condron in Goa. नेवी ने अभी हाल ही में कमीशन किया है जो सेकंड P-8I स्क्वाड्रन है INS 316 Condron को गोवा पे. इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन INS 316 विल ऑपरेट 4 P-8I एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ ऑप्शनल क्लॉज इन 2016 इन अ डील वर्थ ओवर $5 बिलियन. इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 जो है ये ऑपरेट करेगा 4 P-8I एयरक्राफ्ट को जिसको प्रोक्योर किया गया है ऑप्शनल क्लॉज के अंतर्गत 2016 के जो एक डील था $1 बिलियन का. The squadron has been named Condron, one of the largest flying land bird with a massive wingspan. ये जो स्क्वाड्रन है इसका नाम कॉन्ड्रोर है. ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग लैंड बर्ड्स है जिसका मैसिव विंग स्पैन होता है. इसका कॉन्डर भी कहा गया है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया स्पेस इकोनॉमी. तो हम जानेंगे जो इंडिया का स्पेस इकोनॉमी सेक्टर है इसके बारे में. द एस्टिमेटेड साइज ऑफ इंडिया स्पेस इकोनॉमी एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज स्लिप फ्रॉम 0.26% इन 2011-12 टू 0.19% इन 2020-21. जो एस्टिमेटेड साइज है इंडिया के स्पेस इकोनॉमी का परसेंटेज में बात करें जीडीपी का तो वो कम हुआ है. 0.26% था 2011-12 के समय पे जो कि ये डिक्रीज होकर 0.19% हो गया है 2020-21 में. इन रिलेशन टू जीडीपी इंडिया स्पेंडिंग इज मोर देन दैट ऑफ चाइना, जर्मनी, इटली, जापान बट लेस देन दैट ऑफ यूएसए एंड रशिया. अगर हम जीडीपी की कंपेरिजन बात करें तो जो इंडिया का खर्च हो रहा है इस फील्ड पे चाइना, जर्मनी, इटली, जापान से ज्यादा है लेकिन ये अभी भी कम है यूएस और रशिया से. The Indian space sector has been globally recognized for building cost-effective satellite, launching lunar probes and taking foreign satellite to space. जो इंडियन स्पेस सेक्टर है इसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट बनाता है, लॉन्च करता है लूनर प्रोब को और मदद करता है फॉरेन सैटेलाइट को स्पेस तक ले जाने में. द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू इक्विवेलेंट $423 बिलियन. करेंटली इंडिया कंस्टिट्यूट 2-3% ऑफ द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी एंड इज एक्सपेक्टेड टू एनहेंस इट्स शेयर टू ग्रेटर देन 10% बाई 2030 एट CAGR ऑफ 48%. जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू $423 बिलियन का है और अभी इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो 2-3% है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी पे. और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया इनहेंस करेगा अपना शेयर को ग्रेटर देन 10% कर देगा 2030 तक. जो इसका CAGR होगा वो 48% का रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट. क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट का तो हम जानेंगे इसके बारे में. इसके बैकग्राउंड को समझेंगे, सारे फैक्टर को कंसिडर करेंगे. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विद प्रेसाइड वर्चुअली ओवर द साइनिंग ऑफ ए बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएटेड इन टॉर्टरस डिटेल ओवर द लास्ट डिकेड. जो प्राइम मिनिस्टर है भारत के और ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने प्रेसाइज किया वर्चुअली और साइन किया बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जिसको कि नेगोशिएट किया गया था टॉर्टरस डिटेल को लेकर लास्ट डिकेड में. बैकग्राउंड को इसको समझते हैं. नेगोशिएशन फॉर बायलेटरल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट बिगेन इन मई 2011. जो नेगोशिएशन था बायलेटरल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट का ये स्टार्ट हुआ था मई 2011 में. आप समझ सकते होंगे कितना पीछे हो गया. बट नेगोशिएशन कंटिन्यू इन इट फिज एंड स्टार्ट विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन इन दिट रियल पॉलिटिकल डायरेक्शन. लेकिन जो नेगोशिएशन था वो कंटिन्यू फिट किया स्टार्ट किया बिना सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस के और ये जो है रियल पॉलिटिकल डायरेक्शन पर फिर बढ़ते चला गया. इन जून 2020 एज अ पार्ट ऑफ ज्वाइंट स्टेटमेंट आफ्टर एस्टेब्लिशिंग अ कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इट वॉज डिसाइडेड टू री एंगेज ऑन CECA. जो जून 2020 था जो पार्ट था ज्वाइंट स्टेटमेंट का जिसको एस्टेब्लिश किया गया था जिसके माध्यम से एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दोनों कंट्री के बीच में ये डिसाइड किया गया कि फिर से रीअरेंज किया जाएगा कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट को. Consequently, at the 17th India Australia Joint Ministerial Commission meeting in September 2021, CECA negotiation were relaunched. और कंसिक्वेंटली परिणाम ये निकला कि 17th इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन का जो मीटिंग हुआ था September 2021 में उसमें कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट नेगोशिएशन को फिर से रिलॉन्च किया गया. During virtual summit in 2022, India-Australia fleshed out area of cooperation ranging from science and technology to climate change and defense to people-to-people ties and including possibility of joint surveillance and real-time intelligence sharing. जो वर्चुअल समिट हुआ 2022 पे इस दौरान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने फ्लेश आउट किया जो एरिया ऑफ कॉपरेशन था जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक
डिफेंस से पीपल पीपल टाइज तक, और पॉसिबिलिटी है कि ज्वाइंट सर्विलेंस और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग भी किया जाएगा। ऑन द ईव ऑफ समिट द मॉरिशन गवर्नमेंट इन्वेस्टेड ओवर $280 मिलियन टू गिव अ फिलिप टू कॉपरेशन विथ इंडिया टू फर्दर ग्रो इट इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड सपोर्ट जॉब एंड बिजनेसेस इन बोथ कंट्रीज एज वेल एज टू इम्पावर द इंडियन डायस्पोरा। और इस समिट के दौरान जो मॉरिशन गवर्नमेंट है उन्होंने इन्वेस्ट किया $280 मिलियन को ताकि एक फिलिप दिया जा सके कॉपरेशन को भारत के साथ, फर्दर बढ़ाया जा सके इकोनॉमिक रिलेशनशिप को, सपोर्ट किया जा सके जॉब और बिजनेसेस को दोनों कंट्री में, और इम्पावर किया जा सके इंडियन डायस्पोरा को। हम जानेंगे इंडिया यूएस ईसीटीए के बारे में। तो इंडिया ऑस ईसीटीए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है, ये रिफ्लेक्ट करता है जो विजन है एसेंशियल यूनिटी का दोनों कंट्री को लेकर। ईसीटीए इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट डील इन अपरेंटली फुल्ली इन कंपाइलेंस विद डब्ल्यूटीओ रूल एंड आर्टिकल 24 ऑफ गेट। जो इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है ये डील करता है अपरेंटली पूरी तरीके से जो कंपाइलेंस है डब्ल्यूटीओ के रूल का और आर्टिकल 24 को गेट का। आर्टिकल 24 ऑफ गेट एलो कंट्री टू ग्रांट स्पेशल ट्रीटमेंट टू वन अनदर बाय एस्टैब्लिशिंग अ फ्री ट्रेड एसोसिएशन प्रोवाइड दैट ड्यूटी एंड अदर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन वुड बी एलिमिनेटेड ऑन सब्सटेंशियली ऑल द ट्रेड अमंग द पार्टिसिपेंट और द एलिमिनेशन ऑफ इंटरनल बैरियर ऑकल विद इन अ रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम। जो आर्टिकल 24 है गेट का, ये एलो करता है कंट्रीज को कि वो दे सकते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट एक दूसरे को इस्टेब्लिश करके फ्री ट्रेड एसोसिएशन को, लेकिन जो ड्यूटी और अदर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन होगा उसको एलिमिनेट करना होगा सब्सटेंशियली सारे ट्रेड को लेकर सारे पार्टिसिपेंट के लिए, और जो एलिमिनेशन होगा इंटरनल बैरियर का ये होगा एक रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम पे। ECTA should give a boost to India's labor intensive manufacturing sector with a considerable leg up to the pharma, textile, gemstone and jewelry sector. और ये जो ECTA ये बूस्ट देगा इंडिया के लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, कंसिडरेबल बूस्ट प्रोवाइड होगा फार्मा, टेक्सटाइल, जेमस्टोन, ज्वेलरी सेक्टर को भी। इंडियन स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया विल फाइंड एन इजियर पाथवे टू एम्प्लॉयमेंट एंड देयर विल बी ग्रेटर ईज ऑफ वीजा फॉर ए रेंज ऑफ स्किल ह्यूमन कैपिटल फ्रॉम इंडिया इन डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग सेफ एंड योगा इंस्ट्रक्टर। जो इंडिया के स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में उनको एक इजियर पाथवे मिलेगा एम्प्लॉयमेंट का, ग्रेटर आसानी मिलेगा उनको वीजा के लिए, रेंज ऑफ स्किल ह्यूमन कैपिटल जो है इंडिया के, क्योंकि डिमांड जो है ऑस्ट्रेलिया पे जैसे सेफ का, योगा इंस्ट्रक्टर का बहुत ज्यादा है, तो उन सबको एक रोजगार का ऑप्शन मिलेगा। मोस्ट ऑफ द फार्मिंग एंड डेयरी सेक्टर सीम टू हैव बीन केप्ट अवे फ्रॉम द प्रेजेंट एग्रीमेंट। ज्यादातर जो फार्मिंग और डेयरी सेक्टर है उसको अलग रखा गया है इस प्रेजेंट एग्रीमेंट से। ऑस्ट्रेलिया कोल विल प्रोबेबली गेट रिलेटिवली अनफेटर्ड एक्सेस टू इंडिया। और जो ऑस्ट्रेलिया का कोल है उसको प्रोबेबली अनफेटर्ड एक्सेस मिलेगा इंडिया के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ ECTA फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, क्या सिग्निफिकेंस है ECTA का इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को लेकर। ECTA रिप्रेजेंट है वॉटरशेड मूवमेंट इन बायलेटरल रिलेशन। ये जो इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक वॉटरशेड मूवमेंट को बायलेटरल रिलेशन के लिए। ECTA इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी बोथ इन टर्म ऑफ जियो स्ट्रेटेजी एज वेल एज जियो इकोनॉमी। और ये एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट के तौर पे काम करेगा इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे, दोनों ही जियो स्ट्रेटेजी और जियो इकोनॉमिक के लिए। पार्टनरशिप विद द कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टुडे रिप्रेजेंट ए पार्टनरशिप विद नियर कंप्लीट कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड वैल्यू। जो पार्टनरशिप था कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिप्रेजेंट कर रहे एक पार्टनरशिप को कंप्लीट कन्वर्जेंट इंटरेस्ट और वैल्यू को लेकर। शेयर कंसर्न है दोनों का चाइना को लेकर, दोनों मल्टीकल्चरल फेडरल डेमोक्रेसी जो है उनका चिंता है स्टेबिलिटी को लेकर इंडो पैसिफिक रीजन पे, जो चाइनीज हेजेमोनी डिजाइन इसको ध्यान में रखते हुए, और वो इंक्रीजिंगली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने पॉलिसी को और नेचुरल पार्टनर को फ्यूचर के लिए। कंक्लूजन इससे हम ये निकाल सकते हैं कि जो ECTA सिग्नल कर रहा है कि जो इंडिया का रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि दोनों सेंट्रल पाइवेट है क्वाड के लिए, ये काफी स्ट्रांग है और रेजिलेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर सब्जुगेटिंग राइट। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अकाउंटेबल होंगे सब्जुगेटिंग राइट को लेकर। तो जानेंगे इसके बारे में क्या कहा गया है, न्यूज में क्यों आया सब कुछ। सेंटर टोल्ड द दिल्ली हाईकोर्ट दैट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर सब्जुगेटिंग एंड सप्लांटिंग फंडामेंटल राइट लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अदरवाइज द सेम वुड हैव डन कंसिक्वेंसेज फॉर एनी डेमोक्रेटिक नेशन। सेंटर ने बताया है दिल्ली हाईकोर्ट में कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अकाउंटेबल होने चाहिए सब्जुगेट करने के लिए, सप्लांट करने के लिए फंडामेंटल राइट को, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, नहीं तो जो सेम है उसका डायर कंसिक्वेंसेस हो सकता है डेमोक्रेटिक नेशन के ऊपर। ये न्यूज में आया क्यों, द मिनिस्ट्री सबमिशन केम इन रिस्पांस टू अ पिटीशन फाइल बाय ट्विटर यूजर हुज अकाउंट वाज सस्पेंडेड बाय द माइक्रो ब्लॉगिंग साइट फॉर एलिज वायलेशन ऑफ प्लेटफॉर्म गाइडलाइन। मिनिस्ट्री का सबमिशन आया एक रिस्पॉन्स को देखते हुए जो पिटीशन फाइल किया गया था एक ट्विटर यूजर के द्वारा, जिसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया था माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के द्वारा। उन्होंने कहा था कि इसने वायलेशन किया है प्लेटफॉर्म के गाइडलाइंस का। ट्विटर यूजर सेंड हिज अकाउंट वाज सस्पेंडेड फॉर द रीजन ऑफ बैन इवेजन
क्रिएटिंग एन अकाउंट व्हेन अ सिमिलर अकाउंट वाज अर्लियर बैन। ट्विटर यूजर का कहना है कि ये जो अकाउंट है उसको सस्पेंड किया गया, जो रीजन है बैन इन्वेशन के कारण, एक अकाउंट जो था सिमिलर अकाउंट को पहले बैन किया गया था, इस कारण इसको सस्पेंड कर दिया गया। कंप्लेन का कहना है जो ट्विटर है उसने सस्पेंड किया इनके अकाउंट को बिना कोई अपॉर्चुनिटी देते हुए, उनको उनके बातों को बिना सुने हुए। सेंटर का आर्ग्यूमेंट क्या है इसको लेके, सेंटर ने कहा है कि जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी है जैसे कि ट्विटर हो गया, उसका जो डिसीजन है सस्पेंड करने का होल या पाथ यूजर के अकाउंट का, ये उसके खुद के पॉलिसी का वायलेशन है। उसको अफोर्ड करना होगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना होगा यूजर को ताकि वो डिफेंड कर सके अपने व्यू को। The exception the center said where the SSMI could take such a decision includes certain scenarios such as rape, sexually exploitative material or child sexual abuse material, bot activity or malware, terrorism related content etc. लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, सेंटर ने कहा कि जो SSMI है वो ऐसा डिसीजन ले सकता है कुछ सिनेरियो पे, अगर रेप, सेक्सुअली एक्सप्लोइटेटिव मटेरियल, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल, बॉट एक्टिविटी या मेलवेयर और टेररिज्म रिलेटेड कंटेंट है तो सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और रीजन है तो आपको उनको समय देना होगा, अपॉर्चुनिटी देना होगा अपना व्यू रखने का। इफ एन SSMI फेल टू कम्प्लाई विद द अबव देन इट मे बी अमाउंट टू अ वायलेशन ऑफ IT रूल 2021, सेंटर क्लैरिफाइड। और सेंटर ने क्लैरिफाई किया है कि जो अगर SSMI फेल करता है, कम्प्लाई नहीं करता है इसको, तो वो वायलेशन होगा IT रूल 2021 का। No platform or intermediary will be allowed to infring upon the citizen right, including but not limited to Article 14, 19 and 21 guaranteed under the Constitution of India under the guise of violation of platform policy unless it constitutes a violation of extant law in force. और कोई भी platform और intermediary जो है उनको नहीं allowed किया जाएगा कि वो infring करे citizen के right को, जिसमें जो कि limited नहीं है सिर्फ Article 14, 19 and 21 के लिए, जो कि guarantee दिया गया Constitution of India के द्वारा। जो violation है platform policy का, जब तक ये constitute नहीं करता एक वायलेशन को एक्सटेंट लॉ जो कि फोर्स में, तब तक इसको नहीं माना जाएगा। वॉट आर IT रूल 2021? IT रूल 2021 का क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमेट्री गाइडलाइन डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल 2021 जो है, इसी को ब्रॉडली IT रूल 2021 कहा गया है। ये एक चिंता का विषय क्यों है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए फंडामेंटल राइट को सिटीजन का, और उसको जो है नहीं अकाउंट से खुद से सस्पेंड करना चाहिए यूजर के अकाउंट को सारे क्लासेस का। उसको जो है सारे इन्फॉर्मेशन को यूजर अकाउंट का लास्ट रिसोर्ट के लिए रखना चाहिए। अगर केसेस जो है मेजोरिटी ऑफ द कॉन्टेंट पोस्ट विद जो अकाउंट का वो अनलॉफुल हो, तभी ऐसा एक्सट्रीम एक्शन लेना चाहिए। इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि जो अनड्यू डिसकंटिन्यूएंस किया जा रहा है सोशल मीडिया अकाउंट का किसी भी पर्सन का, ये वायलेटिव है फंडामेंटल राइट का जो कि दिया गया आर्टिकल 14, 19 एंड 21 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसी कारण इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। पीएम यूआई स्कीम के बारे में हम जानेंगे। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट द बुक सिलेक्टेड अंडर द पीएम यूआई स्कीम आर ट्रांसलेटेड इनटू डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस टू इंश्योर द एक्सचेंज ऑफ इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर इन ऑर्डर टू प्रमोट एक भारत श्रेष्ठ भारत। जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो बुक जिसको सिलेक्ट किया गया पीएम यूआई स्कीम के अंतर्गत, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में, ताकि इंश्योर किया जा सके जो एक्सचेंज है इंडियन कल्चर का लिटरेचर का वो हो सके और प्रमोट किया जा सके एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव को। पीएम युवा योजना के बारे में हम जान लें। प्रधानमंत्री मेंटरशिप स्कीम फॉर यंग राइटर पीएम युवा योजना हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन 29 मई 2021 फॉर यंग राइटर अप टू द एज ऑफ 30 इयर्स। तो प्रधानमंत्री मेंटरशिप स्कीम फॉर यंग राइटर पीएम युवा है, इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 29 मई 2021 को यंग राइटर्स के लिए जिनका जो एज है वो 30 इयर्स तक होगा। मकसद क्या है इस स्कीम का? तो ये क्रिएट करेगा एक यंग एस्पायरिंग राइटर को स्किल राइटर के तौर पर जो रिप्रेजेंट करेंगे रिच हेरिटेज को भारत के। थ्रू द स्कीम न्यू राइटर विल बी अलॉट टू पार्टिसिपेट एंड बिकम फ्यूचर राइटर थ्रू अ मेंटरशिप प्रोग्राम। और इस स्कीम के माध्यम से जो नए राइटर है उनको अलॉ किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करें और बने फ्यूचर राइटर एक मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से। की ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? इंगेज यूथ ऑफ द कंट्री इन रिच इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। कि इंगेज किया जाए जो यूथ है कंट्री का उसको इंडिया के रिच हिस्ट्री और कल्चर के तरफ। क्रिएट किया जाए एक पुल को यंग ऑथर का कंट्री में जो कि मॉडर्न यंग एम्बेसडर हो इंडियन लिटरेचर के लिए। क्रिएट यंग लर्नर फॉर फ्यूचर लीडरशिप रोल टू रिप्रेजेंट द कंट्री ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। क्रिएट किया जाए यंग लीडर को फ्यूचर लीडरशिप रोल के लिए ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे भी। टू हेल्प यंग ऑथर प्रोजेक्ट देयर आइडियाज ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देयरफॉर अलाउइंग देम टू प्रमोट इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर ग्लोबली। ये मदद करेगा यंग ऑथर को प्रोजेक्ट करने में उनके आइडियाज को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। यह अलाउ करेगा उनको वो प्रमोट करे इंडियन लिटरेचर और कल्चर को पूरा विश्व में। बिल्ड करेगा स्किल राइटर को न्यू एस्पायरिंग ऑथर के तौर पर वेरियस जेनर पे जो प्रोवाइड किया जाएगा एक्सपर्ट मेंटरिंग के माध्यम से। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इस स्कीम का? द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाई नेशनल बुक ट्रस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। स्कीम वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज वाइज स्ट्रक्चर। ये जो स्कीम है इसको
इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा फेज वाइज स्ट्रक्चर में। फेज वन में ट्रेन किया जाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट को जिनको प्रोवाइड किया जाएगा एनबीटी के द्वारा 3 मंथ के लिए। फेज सेकेंड में जो कैंडिडेट जिसको कि सिलेक्ट किया जाएगा वो एक्सपेंड करेंगे अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने होम स्किल को लेकर इंटरेक्टिव प्रोसेस के माध्यम से, और वेरियस इवेंट जो होगा इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बुक फेयर एक्सेट्रा, ताकि वो अपने टैलेंट को वहां पे शो कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वाडोर ग्रांट लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल। इक्वाडोर ने दिया है लीगल राइट वाइल्ड एनिमल को, तो हम जानेंगे इसके बारे में। इक्वाडोर अ साउथ अमेरिकन कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल। तो कौन सा कंट्री है वर्ल्ड का जो कि बन गया पहला कंट्री जिसने लीगल राइट दिया है वाइल्ड एनिमल को? डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो इक्वाडोर जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है वो पहला कंट्री बन गया विश्व का जिसने लीगल राइट दिया है वाइल्ड एनिमल को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अफासिया। तो हम जानेंगे अफासिया है क्या। इट इज अ ब्रेन डिसऑर्डर दैट लीड टू प्रॉब्लम विद स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। तो क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम किया जा सकता है कि न्यूज में ये टर्म अपीयर हुआ, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसके कारण प्रॉब्लम होता है स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग में। आई स्ट्रोक ट्यूमर हेड इंजरी और अदर डैमेज टू द लैंग्वेज सेंटर ऑफ द ब्रेन कैन काउज अफासिया। अ ब्रेन इन्फेक्शन और अल्जाइमर डिजीज कैन ट्रिगर इट। जो एक स्ट्रोक है, ट्यूमर है, वो अगर हेड इंजरी व कुछ और डैमेज हो जाता है लैंग्वेज सेंटर पे ब्रेन के, तो इसके कारण अफासिया होता है। ब्रेन इन्फेक्शन या अल्जाइमर डिजीज तो वो इसको और ज्यादा बढ़ा देता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।